Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shukriya. Shukriya. Acha khamoshi, khamoshi. Ab thodi der aapne aaram se meri baat sun li. De do wo, de do kagaz. Acha ji, koi ab nare nahi lagane, naujawano, koi nare nahi. Khamoshi. Dedo, dedo, dedo. Acha ji, khamoshi. Sabse pehle, main Sania Nishtar aapko is program ki mubarak deta hoon. उसके बाद आप सब के लिए जो अपना नजरिया है, जो पाकिस्तान का नजरिया है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं. अगर आप खामोश हो जाएं तो आप मेरी आराम से बात सुन सकेंगे. देखें, हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान को एक फलाई रियासत बनाना जो जो नजरिया पाकिस्तान था. अब तक हमारा जो भी मुल्क में जिस तरह की भी तरक्की हुई, अमीर अमीर हो गया और आम आदमी नीचे ही रहा, अमीर और गरीब में फासला बढ़ता रहा. आज तक कोई भी माशरा आगे नहीं बढ़ सका जिधर अमीर और गरीब में फासला बढ़ता जाए. जो मदीना की रियासत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी, याद रखे, दुनिया की तारीख की पहली फलाई रियासत थी जिधर रियासत ने जिम्मेदारी ली थी अपने कमजोर तबके की, और उन्होंने लोगों को गुर्बत से निकाल के मुसलमानों को एक अजीम कौम बनाया. आज चाइना की जो तरक्की हुई, चाइना ने 70 करोड़ लोगों को पिछले 30 साल में गुर्बत से निकाला, इसलिए वो आज दुनिया का अजीम तरीन मुल्क बन गया, और यही हमारी पाकिस्तान की ख्वाब है. और ये जो प्रोग्राम है एहसास का, ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में एक प्रोग्राम शुरू हो रहा है जो नीचे से लोगों को ऊपर उठाने की कोशिश है. एक जो सबसे कमजोर तबका है उसके लिए कफालत कार्ड बन गया है, डायरेक्टली उनको पैसे मिलते हैं, हर महीने हम उनको पैसे देते हैं, और वो ताकि वो अपना बुनियादी खाने पीने का ध्यान खुद रख सके. उसके बाद ये जो आज प्रोग्राम है, इसकी सारी कोशिश ये है कि लोगों के पास जो कमजोर तबका है उसको हथियार दिए जाएं ताकि वो अपने आप को ऊपर उठा सके. जिस तरह वो दुकान है,
जिस तरह वो रिक्शा है, जिस तरह वो सामान ले जाने वाली एक मोटरसाइकिल रिक्शा है। और ख्वातीन के लिए हमने फैसला किया कि हम उनको एक गाय, एक भैंस, तीन बकरियां देंगे ताकि उनसे वो अपना घर चला सके। उसके साथ साथ कर्जों का फैसला किया है। अब ये जरा गौर से सुने, ये कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ। हर महीने 80,000 लोगों को कर्जे दिए जाएंगे सूद के बगैर, हर महीने। और जो कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ, कमजोर तबके से हमारे नौजवानों को 50,000 स्कॉलरशिप दिए जाएंगी हर साल। इसके अलावा इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान में हम पनाहगाह बना रहे हैं, यानी कि लोग जो बेचारे मजदूर सड़कों पे सोते हैं, अगर दिहाड़ी नहीं मिले तो बेचारे भूखे रहते हैं, अपने बीवी बच्चों को पैसा नहीं भेज रख सकते, उनके लिए पनाहगाह इंशाल्लाह हर जगह पाकिस्तान में बनेगी ताकि वो पनाहगाह में रात भी गुजार सकें, उनका खर्चा भी ना हो, उनको खाना पीना मुफ्त मिले। अब तक 180 पनाहगाह बन चुकी हैं और इंशाल्लाह ये बनाते जा रहे हैं हम। और हमारी कोशिश ये है कि कोई ऐसी जगह ना हो जिधर एक आम आदमी सड़क के ऊपर सोए। एक आम आदमी अगर उसके पास पैसा नहीं है, मजदूरी नहीं मिली, तो बेचारा ठंड के अंदर सड़कों पे सोए। ये इंशाल्लाह वो पाकिस्तान बनेगा कि कोई आदमी को सड़क पे नहीं सोना पड़ेगा। इसके अलावा हम कानून लेके आ रहे हैं कि गरीब लोग अगर उन्होंने अदालत में जाना हो और उनके पास पैसे नहीं है वकील करने के लिए, तो हम गवर्नमेंट की तरफ से उनको वकील करके देंगे ताकि तो अदालत में जा सके और इंसाफ ले सके। सेहत का निजाम, ये सबसे बड़ा इंकलाब आ रहा है पाकिस्तान में। अब तक पंजाब में 60 लाख खानदानों को हमने हेल्थ कार्ड देना है। अब तक 50 लाख को दे चुके हैं, 60 लाख खानदानों को हेल्थ कार्ड मिलेगा। 7,20,000 रुपया हर कार्ड पे होगा, एक खानदान किसी भी अस्पताल में जाके अगर कोई बीमारी होती है अपना इलाज करवा सके। और हमने सारी ड्यूटी हटा दी है, अस्पताल बनाने के लिए जो भी इक्विपमेंट चाहिए, जो भी मशीनें चाहिए बाहर से जो मंगवाने के लिए, सब पे हमने ड्यूटी हटा दी है ताकि प्राइवेट सेक्टर आए, अस्पताल बनाए और गरीब आदमी हेल्थ कार्ड इंश्योरेंस उस अस्पताल में जाके अपना मुफ्त इलाज करवा सके। इंशाल्लाह स्कूलों का निजाम, तालीम का निजाम, इसके ऊपर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में बेहतरीन तालीम मिले। सिस्टम को, एक पुराना बिगड़ा हुआ सिस्टम ठीक कर रहे हैं, सिलेबस ठीक कर रहे हैं कि एक मुल्क में एक सिलेबस हो, ये ना हो कि गरीब के लिए उर्दू मीडियम या दीनी मदरसे, अमीर के लिए इंग्लिश मीडियम। अच्छी तालीम सिर्फ छोटे से तबके के लिए और आम लोग, बच्चे स्कूलों में पढ़ के बेरोजगार फिरें। ये तालीम का निजाम ठीक करने लगे, ये ज्यादा मुश्किल है।
ये आसान नहीं है। ये 70 सालों में हमने अपना तालीम का निजाम बिगाड़ा है, इसको ठीक करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हमारा मकसद ये है कि एक निसाब हो पाकिस्तान में, अमीर गरीब के लिए एक निसाब हो, स्कूलों का निजाम ठीक हो। सरकारी स्कूलों में अगर टीचर ना आए, इसका भी हम एक बंदोबस्त कर रहे हैं कि अगर टीचर ना आए सजा जजा का निजाम हो, अगर टीचर नहीं आता उसको बाहर निकाल के उन टीचरों को रखें जो कि स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाते हैं। और मैं और पुलिस का निजाम, अब ये सुने, पुलिस का निजाम सबसे बड़ा मसला, जब मैं मियांवाली के अंदर अपने हलके में फिरता था तो सबसे बड़ा मसला आता था कि लोगों को थाना और कचहरी का अजाब था, झूठे केसेस होते थे, लोगों को इत्माद नहीं था थानों पे। इसलिए सुनो, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, अर्जी पकड़ा दो मैं ले लूंगा, ठीक है। अब सुनो गौर से, जो हम पुलिस का निजाम लाना चाहते हैं वो सुने। अब तक हमें ये होता था कि आम आदमी को तहफुज नहीं मिलता था। जो नए आईजी साहब आए हैं, मैं नए आईजी को आज सबके सामने मुबारक देना चाहता हूं। आईजी शुएब दस्तगीर को मुबारक इसलिए देना चाहता हूं कि आज पंजाब के अंदर इनको मैंने कहा है कि हर जिले के अंदर जो बड़े बड़े बदमाश हैं उनको पकड़ें, छोटों को ना, बड़ों को पकड़ें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे लैया के लोगों को सुन लो, उन्होंने कहा था कि बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर एक इंसाफ का निजाम कमजोर के लिए और दूसरा ताकतवर के लिए। कौमें तबाह हो जाती है जब छोटे चोरों को पकड़ो और बड़े चोर बड़े बड़े वाहनों में फिरें, लंदन जाएं, बड़े बड़े घरों में रहें। हम वो निजाम चाहते हैं जो बड़े बड़े डाकुओं को, बड़े बड़े जालिम कातिलों को पकड़े, पुलिस उनको पकड़ के जेल में डाले, छोटे फिर ठीक हो जाएंगे। और मैं मुबारक देना चाहता हूं कि आईजी साहब ने काम शुरू कर दिया। अच्छा, अब आखिर में मेरे लैया के लोगों, आप सबको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान जो मुश्किल वक्त था उससे निकल गया। एक बड़ा मुश्किल वक्त आया हुआ था, मकरूज मुल्क था, कर्जे लिए हुए थे बैरूनी मुल्क, हर साल कर्जों की किस्तें वापस करनी थी। और अगर हम जो कर्जे ये पिछली हुकूमतों ने लिए हुए थे उनकी किस्तें वापस ना करते वक्त पे, तो मुल्क ने, जिसको कहते हैं, डिफॉल्ट कर जाना था। और डिफॉल्ट का मतलब ये है कि जो आज जितनी भी चीजें आप लोग कहते हैं ना महंगी हैं, ये सारी चीजें इससे दुगनी महंगी हो जानी थी। अल्लाह का करम है कि मुल्क उस मुश्किल वक्त से निकल गया। अभी भी ये नहीं कि आसान जिंदगी है आगे, अभी भी जद्दोजहद का और आगे बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये मुल्क अब सही रास्ते पे है। जो इतना बड़ा हमारा खसारा था, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, वो एक साल में 75% कम हुआ है। रुपया हमारा जो गिर रहा था वो रुक गया है और बल्कि ऊपर आया है।
स्टॉक मार्केट हमारी ऊपर बाहर से सरमायाकारी शुरू हो गई है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और आपको खुशखबरियां मिलेंगी। मैं आखिर में सानिया निश्तर आपको फिर मैं आपको मुबारक देता हूं। ये बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम शुरू किया आपने, मौका दिया हमारी ख्वातीन को खास तौर पे कि वो अपनी जिंदगी बेहतर कर सकती हैं। उनके लिए आपने उनको हथियार दिए कि वो अपने घर अपने बच्चों की जिंदगी बेहतर कर सकती हैं। मेरी वालदा का सबसे बड़ा मैं जो बना हूं वो मेरी वालदा की वजह से बना था। एक मां अपने सारे घर को उठा देती है और हमारी कोशिश ये है कि हमने पाकिस्तान की माओं को उनकी मदद करनी है ताकि वो अपने आप को भी उठा सकें अपने खानदान को भी उठा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।